सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको त्रियक समकोणासन बतलाने जा रहा हूँ। इस आसन को करने के लिए आप प्रातःकाल और सायंकाल दोनों ही समय चुन सकते हैं, परंतु प्रातःकाल का समय ज़्यादा अच्छा है। शौच क्रिया से निवृत्त होकर के खुले जगह पर बैठ जाएं, कंबल बिछा लें, हल्के कपड़े पहनें और इस आसन को करने के लिए तैयार हो जाएं। इस आसन को करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों के बल पर शरीर का वजन उठाना है और दोनों पैरों को दोनों हाथों के बीच से पार करके, एक हाथ के बीच से पार करके उठाएंगे और किनारे से उठाएंगे, बगल से उठाएंगे, जो कि एक तरह से सामने के सिर में वो समकोण जैसा बनता है, तो उस तरह से ही बन जाएगा। अब इसी को दूसरी तरफ से कर लेंगे, यानी पहले बाएं पैर से करिए तो फिर अब दाएं पैर से करेंगे और दाएं हाथ की ओर करेंगे। तो अब बाएं पैर को दाएं पैर से लपेट लेते हैं, फिर दाएं पैर को बाएं पैर से लपेट लेते हैं अगर दाएं तरफ करते हैं तो। और इसकी जो अवधि है करने की वो 10 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक की है। इतने समय में आप अपनी शक्ति सामर्थ्य और ज़रूरत के अनुसार इसे करेंगे। इस आसन को करने के लिए आप जो अपनी आवश्यकता है रोग की, जैसे कि यदि आपको हाथों में परेशानी है, हाथों में कमजोरी है, या यदि आपको गुर्दे में समस्या है, पेट में या आंत में समस्या है, या हृदय में समस्या है, तो उनको यह दूर करने में समर्थ है। यौन विकार को भी यह दूर करने में समर्थ है। यह मंदाग्नि को दूर करता है, चाहे पीलिया है, चाहे रक्तचाप है, उन सब की समस्या को यह दूर करता है। यह एकाग्रता की वृद्धि करता है और विद्यार्थियों के लिए तो यह बहुत अच्छा है, पढ़ने लिखने वालों के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो यह कंधे को भी आपको बल देगा और आपके पंजों को और कलाई को यह काफ़ी मजबूत बनाता है। थोड़ा सा जटिल आसन है, लेकिन अभ्यास करके आप इसे कर सकते हैं। तो आइए आप देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से करेंगे। इस तरह से आप करें और इसका लाभ उठाएं। ओम।